मैं आप सबको मेरी चैनल में वेलकम करता हूँ जिसका नाम है गेमिंग विद गौरव। तो यार दोस्तों ये आज मेरी पहली वीडियो होगी पबजी के ऊपर, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स, और यार पबजी मोबाइल के ऊपर होगी। और यार सीओसी की वीडियोस तो वो मैं डालूंगा यार, सीओसी अपनी जान है, पबजी दूसरी है, चलो ठीक है। लेकिन यार सीओसी की वीडियोस और पबजी दोनों साथ में डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यार मैं वैसे भी एक वीडियो बहुत लेट डालता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी वीडियो डाल दूं, ठीक है। तो यार अब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ। तो यार इस वीडियो में मैंने टोटल 6 कैटेगरीज में एक चीजों को बांटा है। वो चीज है कि यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गन्स के बारे में, स्पेशलिटी उनकी, उनसे कौन सी एमओ यूज होती है, और वो आपको गन यूज करना चाहिए कि नहीं, और वन ऑफ द बेस्ट गन्स, मेरी जो फेवरेट और पूरे मुझे पबजी गेम में लगती है, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, पूरी एक वीडियो में। लेकिन यार एक वीडियो में तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को पूरी देखोगे। और पहली बात तो ये यार कि तुम कहोगे यार ये मैं गूगल के थ्रू ही देख लूं, तो यार सुन लो मेरी बात, गूगल पे जो है ना वो क्या रहता है ना यार दोस्तों, मतलब गेम इन्फॉर्मेशन है, गेम के रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो होगा उस हिसाब का मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बस आपसे यही बोलूंगा यार, पूरी वीडियो एंड तक देखना तो ही आपको समझेगा। और यार बस वीडियो एंड होने से पहले अपनी जो भी फेवरेट गन होगी, उस दो फेवरेट गन, चलो ठीक है यार, वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता देना। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है उसमें मेरे को एक बंदे ने हेल्प किया जिसका नाम है सोमित्रा, वो मेरे क्लैन का मेंबर है, जो क्लैन में है मेरे उनको तो पता ही होगा। तो यार वो भी एक पबजी प्रोफेशनल है, तुम ऐसा कह सकते हो यार। तो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ, और बस फिर देखो पूरी एंड तक। चलो फिर यहाँ पे हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार पहले हम बात करेंगे टायर 5 की, और ये जो इसमें अब मैं जो गन्स बताऊंगा ये सारे वर्स्ट कैटेगरी वाले गन्स है जो भी हम उतरते ही पबजी में मिल जाती है। तो हाँ यार पहली जो है वो है P92। तो यार ये एक सिंगल फायर गन है, रैंगल वाली मैप में मिल जाती है, और इसमें एमओ लगती है 9mm। तो ठीक है यार, मतलब उतरते ही आपकी सेफ्टी के लिए एक पिस्तौल मिल जाए तो आपका काम हो ही जाता है। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे पिस्तौल की जो है वर्स्ट कैटेगरी में, वो है यार P1911। तो यार इसमें लगती है 45 ACP वाली एमओ, ये भी एक सिंगल फायर और ये रैंगल मैप में होती है। तो यार ये बहुत सारी बकवास गन्स है, मतलब देख लो यार इतनी फालतू गन है, मतलब समझो कि यार। लेकिन हाँ यार दोस्तों एक बात बताओ, तो यार कभी कभी ना इससे भी काम हो जाता है जब आप उतरते हो और बाजू वाले के पास कुछ ना हो और आपके पास कुछ ऐसे ही फालतू गन हो। तो ठीक है यार, तीसरी कैटेगरी है, तीसरी गन इस कैटेगरी में जो आती है वो है यार 7.62 की एमओ यूज करने वाली R1895, जो कि सिंगल फायर मोड पे है। ये कह सकते हो आपकी यार वन ऑफ द बेस्ट पिस्तौल आप इसको कह सकते। तो यार बस मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर कभी आपको गलती से भी तीन पिस्तौल में से सिलेक्ट करने को बोल दे तो यार R1895 को जरूर चूज करिएगा। अब बात करते हैं हम टायर 4 की, जिसमें होगी बिलो एवरेज वाली गन्स। तो पहली है यार S686, ये एक शॉटगन है सिंगल मोड, तो पता ही होगा आपको, और इसमें लगेंगे 12 गगेज। तो यार ये गन ठीक है यार, मतलब काम चल जाती है, उतरते ही आपको यही मिलती है। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे गन की, वो है P18C। ये एक पिस्तौल है, सिंगल मोड है, लेकिन इसमें बेस्ट चीज है वो यार इसमें ऑटो मोड भी है। ये 9mm यूज करती है, और इसकी वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि इसमें यार स्कोप लगता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे गन की जो है बिलो एवरेज लिस्ट में, तो वो है यार VSS Winter Rays। तो यार ये एक स्नाइपर है, नकली स्नाइपर इसे कह सकते हो, मेरे को ये बिल्कुल भी स्नाइपर पसंद नहीं है, वर्स्ट कह सकते हो यार, 9mm यूज करती है। बेस्ट थिंग इसकी ये है कि यार इसमें एक स्कोप ऑलरेडी आपको मिल जाता है, जिससे यार स्कोप पता है ना यार, स्कोप धमाल मचा देता है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी यार एक होता है, एक क्लास होता है गन का, एक स्नाइपर का नाम खराब कर देता है यार ये स्नाइपर के गन्स के बारे में। तो ठीक है मिलोगे, और देखो अगर ये गन मिलती है और सामने अगर पिस्तौल रहती है तो यार आप बेशक VSS ले जाओगे, क्योंकि ये वर्स्ट लिस्ट में तो नहीं है, एक्चुअली वर्स्ट लिस्ट में तो नहीं है यार, बस यही बोलना चाहूंगा। अब बात करते हैं हमारे अगले गन की जो कि एवरेज लिस्ट में, वो है विंचेस्टर। ये एक स्नाइपर राइफल है, मिरामर मैप में आपको ज्यादा कर मिलती है, 45 ACP इसमें लगती है, बस ना के बराबर फालतू गन है कर, लेकिन अगर कभी सेफ्टी बोलते ना यार उस टाइम पे ये गन ही काम आती है, मतलब यार ये ऐसी गन है जिसको आप लास्ट तक
मतलब यार ये ऐसी गन है, मैं कहना चाहूंगा जिससे आप चिकन डिनर कभी ना लो यार, ये वैसी गन है। मतलब ना यार, बिलो एवरेज वाली गन से आप चिकन डिनर तो मुश्किल है यार। अगर आपको टॉप 10 में आना है तो यार फिर तो आप आ ही सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डिजर्विंग गन है नंबर 1 तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार एवरेज लिस्ट वाले गन्स की। ये ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा कॉमन गन्स है ये सब, अब तक जो भी मैंने बोला है ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो एवरेज कॉमन लिस्ट में अब पहली जो गन है वो यार S1897, ये एक सिंगल सेमी ऑटो गन है, शॉर्ट गन है, 12 का गेज लगेगी, ठीक है यार कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे एवरेज गन की, तो वो है यार माइक्रो UZI 9mm जिसको लगती है। यार ये गन मुझे बहुत पसंद है, मतलब यार इसकी जो खराब बात है यार वो है कि इसमें स्कोप नहीं लगता है, लेकिन अगर आप इसकी दूसरी चीजें देखें तो डैमेज जो भी है यार मुझे बहुत अच्छी लगती है ये गन। मतलब कह रहा हूँ यार दोस्तों, ये शॉर्ट गन्स, ये जो स्नाइपर VSS इन सब से तो बहुत ज्यादा बेटर है। और अब बात करते हैं UMP9 की, तो UMP9 तो मेरी जान है जिसमें लगती है 9mm। यार ये वन ऑफ द बेस्ट गन मुझे लगती है। UMP9 हो और अगर मेरे सामने कोई बहुत अच्छी स्नाइपर हो, मैं वो स्नाइपर नहीं लूंगा लेकिन मैं पहले UMP9 को उठाऊंगा। अब बात तो यार अब हम बात करते हैं वेक्टर की। तो यार वेक्टर जो गन है उसमें लगता है 45 ACP, और यार वेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इजीली आपको घरों में दिख जाएगी। मतलब यार जैसे ही उतरते हो मतलब वेक्टर तो मिल ही जाता है, कि एक बहुत ज्यादा कॉमन गन है। और उसके बाद इसकी सबसे खराब बात इसमें मतलब करे तो यार जैसे दूसरे जो गन्स में होती है, वेपन्स में होती है, उसमें 30 रहता है यार, किसी में 40 mm आपको यूज करने को मिल जाती है बुलेट जो है, लेकिन ये जो वेक्टर है इसमें मैक्स टू मैक्स 13 बुलेट यूज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है ये गन का। बाकी इसमें स्कोप की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वेक्टर ये चीज से रह जाती है। अब बात करते हैं अगली गन की, तो वो है टॉमी गन। टॉमी गन में लगता है 45 ACP। इसकी सबसे खराब बात है कि यार इसमें स्कोप ही नहीं लगता है, जो मेन चीज है पूरे गेम का जिससे आप आराम से जीत सकते हो। अगर आपके पास वही गन है और उसमें स्कोप ही ना लगे तो फिर वो गन यूज करके मतलब नहीं है। इसकी डैमेज भी ठीक ठाक है, ये भी एक बहुत ज्यादा कॉमन गन है, मिल जा रही है बड़ी आसानी से। अब बात करते हैं हमारे अगले गन की, तो वो है DP28। ये एक बहुत अच्छी मशीन गन है आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन इसकी जो खराब बात है वो यार इसमें स्लो रिलोडिंग है बहुत ज्यादा, और ये यूज करता है 7.62। तो यार लेकिन बात करें एक गन की, तो इसके डैमेज और अटैक जो भी होती है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके रिलोडिंग के कारण ये गन भी बहुत ज्यादा इग्नोर हो जाती है। अब बात करते हैं हम हमारे अगले टायर की, वो है टायर 2। यहाँ पे आपको गन्स मिलेंगे जो भी है सब अबोव एवरेज। तो ये लिस्ट की पहली गन है M416 और दूसरी है M16A4 QBZ95। दोनों की जो गन है दोनों की सिमिलरिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक फर्क पड़ जाता है जिससे कि M16A4 हमेशा इग्नोर किया जाता है ऑलमोस्ट, तुम ऐसा कह सकते हो, क्योंकि ये जो गन है ये एक सेमी ऑटो मोड पे रहता है और M416 ऑटो मोड पे रहता है। सेमी ऑटो यानी कि यार बर्स्ट मोड, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है गन का। लेकिन इसकी डैमेज कंपेयर करें तो उससे थोड़ी कंपेरेटिवली थोड़ी अच्छी है, लेकिन जब बर्स्ट मोड आ जाता फिर उस गन का मतलब ही नहीं है। दूसरी गन है इस लिस्ट में, तो वो है यार AKM। यार AKM तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट रहेगी, क्योंकि यार इससे मेरी यादें जुड़ी है, वो भी यार काउंटर स्ट्राइक गो की या फिर काउंटर स्ट्राइक सोर्स की, क्योंकि यार ये गन जो है AK-47 की याद दिलाती है। इसमें स्कोप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब तुम यार जब स्कोप 8x लेके बैठते हो तब तुम जब फायर करते हो तब इसका जो बुलेट का जो टाइम ट्रेवल है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्लो है, और यार उसकी जो डैमेज है वो इतनी है भी नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो कहीं ना कहीं AKM में 8x और 4x थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगता है यार सही नहीं है, क्योंकि यार जब आप 8x यूज करते हो और 4x तो जो स्कोप रहता है वो एक्चुअली थोड़ा सा वाइब्रेट भी करने लग जाता है। यार सेम यही स्कारेल के साथ होता है, स्कारेल भी इस लिस्ट में है जो कि अबव एवरेज वाली गन में है। तो यार स्कारेल भी एक बहुत अच्छी गन है, कॉमन गन है, बड़ी आसानी से आप कह सकते हो मिल जाता है, पर यार इसमें भी यही प्रॉब्लम है इसके स्कोप का। अगर आप इसके साथ 8x लेके बैठते हो तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको इसके स्कोप में भी दिखेगा। अब बात करते हैं टायर 1 की, इस टायर में सारे के सारे स्ट्रॉन्ग गन्स है। तो पहली जो है गन वो है मिनी 14। तो यार मिनी 14 एक स्नाइपर असॉल्ट स्नाइपर है, तो यार ये जो गन है इसकी बहुत ही ज्यादा कम डैमेज है, लेकिन यार जब ये गन में स्कोप आ जाए तो यार सबकी बैंड बजा है, क्योंकि यार ये लॉन्ग शॉट वाला गन है। अगर आप इससे 8x लेके बैठो तो फिर तो समझो आपका नंबर 1 पक्का है, चिकन डिनर फिक्स है। अब बात करते हैं अगले गन की, तो वो यार M24। M24 से बढ़ने से पहले मिनी 14 में 5.56 की एमओ लगती है, M24 में 7.62 की लगती है। M24 ये एक भी एक स्नाइपर रेफॉल्ट है, एक स्नाइपर होने के बाद ये एक लॉन्ग शॉट
में भी कमाल मचा देती है। इसमें स्कोप की बहुत ज्यादा जरूरत तो लगती नहीं है, बट ये अच्छी गन है यार, मतलब एक सब मशीन की तरह भी एक काम कर सकती है। और दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप में ही मिलता है। अब बात करते हैं SKS की, तो यार इसमें 7.62 की एमओ लगती है। ये एक राइफल है, स्नाइपर राइफल राइफल कह सकते हैं आप इसे, और ये एक लॉन्ग रेंज वाली स्नाइपर है। इससे आप मीडियम रेंज में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, लेकिन जब आप लॉन्ग रेंज की बात करें तो मीडियम रेंज से कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा है। और यार 3 शॉट्स के अंदर आदमी मर सकता है, बंदा मर सकता है, अगर आप एक अच्छा एम रखो तो स्कोप के साथ। अब यार ये लिस्ट में अगली गन है कार 98, 7.62 इसमें एमओ लगती है। यार ये गन की तो कुछ बात ही अलग है, क्योंकि यार ये गन 2 शॉट्स में बंदे को उठा सकती है और 1 हेडशॉट में बंदा मर सकता है। एक परफेक्ट हेडशॉट मार दो यार कार 98 से, बस खत्म है। लेकिन और हाँ यार, दो शॉट्स लगेंगे अगर आप उसके बॉडी पे भी मारते हो तो। अब बात करते हैं हमारे अगले गन की, लेकिन यार उससे पहले कार 98 जो यार ये बहुत ज्यादा इजीली आपको मिल जाती है। बात करते हैं अगले गन की, वो है ग्रोजा 7.62 एमओ इसमें लगती है, एक असॉल्ट राइफल। इसकी जो डैमेज पर सेकेंड है पूरे गेम में सारे गन से कंपेयर करें तो यार सबसे ज्यादा है, और ये एक सब मशीन की तरह भी काम कर सकती है। ग्रोजा, हमने ग्रोजा की बात की थी, ग्रोजा SLR जो कि सिर्फ और सिर्फ ज्यादा कर तो आती है दोस्तों एयर ड्रॉप्स में ही मिलता है। और बात करते हैं ऑग 83 की, तो यार इसमें 5.56 की एमओ लगती है। ये एक मीडियम रेंज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी गन है, स्कोप के साथ ये ज़्यादा कमाल नहीं करेगी, और ये भी एक सब मशीन की तरह काम करती है। और दोनों के कंपेरेटिवली करें तो यार ये सब आपको ज़्यादातर ही एयर ड्रॉप्स में ही देखने को मिलेगी। ऐसे ही सर्च करते टाइम थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, एरकेड मोड में फिर भी आपको ये गन्स बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे मेन टायर की, और वो है गॉड टायर। तो सबसे पहली जो गन है वो इसमें है, वो है AWM। ये एक पूरे गेम का वन ऑफ द बेस्ट गन है और बेस्ट जो स्नाइपर भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसके लिए हम बता तो इसका राज, क्योंकि ये है सिर्फ 1 हिट किल है यार ये गन में, 1 हिट किल। तुम हाथ पे मारो, मुंह पे मारो, कहाँ पे भी मारो, एक किल, एक टच होता ही उसका बुलेट डायरेक्ट किल है बंदा, बंदा सीधा मरेगा। इसमें 300 बुलेट कुछ तो लगता है, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप में ही मिलता है। और इसका सबसे लॉन्ग रेंज तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा हिट दे देती है। लेकिन ये गन का फायदा है कि यार ये 1 हिट किल है। अब बात करते हैं हमारे अगले गन की, तो वो है M249। इसमें लगती है 5.56 की एमओ। ये पूरे गेम में सबसे लॉन्ग रेंज के लिए बनी है, मतलब इसमें ज़्यादा स्कोप की ज़रूरत भी नहीं है, बिना स्कोप के भी आप लॉन्ग रेंज मार सकते हो। और यार इसकी दिक्कत ये है कि ये जो ऐसा वेपन है M249, और इसका जो एमओ है ये सिर्फ और सिर्फ आपको, एमओ की बात छोड़ तो यार, लेकिन M249 सिर्फ और सिर्फ आपको एयर ड्रॉप में मिलेगा। अब बात करते हैं फ्लेयर गन की, तो फ्लेयर गन के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, क्योंकि यार ये सबसे रेयरेस्ट गन है। ये एक पिस्तौल की तरह दिखता है। हाँ यार दोस्तों, पिस्तौल, और तुम बोलोगे गॉड टायर में, लेकिन सुन लो मेरी बात, क्योंकि यार उसमें रैपिड फायर हाई डैमेज है। ये रैपिड फायर कंपेयर टू सारे गन्स से ज़्यादा इसकी रैपिडिटी है इसमें। जब इसके बुलेट जब आप फायर करोगे तो AKM तो पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन उससे पहले ये बंदा, मतलब ये जो बुलेट है इसका, ये बंदे को टच करके वो बंदा कब मरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये ऐसा गन है कि यार आपका जब सबसे अच्छा दिन होता है ना, आपको उस दिन भी ये गन ना मिले, ये एक ऐसी गन। बस फिर दोस्त सर, अब तो मैंने सारी गन के बारे में बता दिया, अब जो भी मिस हो गया वो प्लीज़ आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो यार, क्योंकि मुझे अब इतना और ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होगा वेपन्स के बारे में, कुछ भी मिस किया हो कमेंट कर दो। और यार आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, सॉरी आपका इतना टाइम वेस्ट करने के लिए, बट यार होप सो आपको एक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी होप सो आपको मिल गई होगी। और यार जाने से पहले बोलना चाहूंगा, मेरी जो फेवरेट गन है वो है यार AKM UAP 9, और आप कह सकते हो M164 या फिर स्कारिल, इन चारों से मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो बस फिर अपना भी कमेंट कर दो, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।